दोस्तों आरओ रिपेयरिंग पार्ट टू में आपका स्वागत है। इलेक्ट्रिकल हब में आज मैंने आरओ रिपेयरिंग का पार्ट वन अपलोड किया था, आज मैं पार्ट टू अपलोड करूंगा। उसमें जो हमारा नॉर्मल आरओ होता है उसमें कुछ कुछ चीज़ें छूट गई थी, वो मैंने बेसिक लेवल का था, ये भी बेसिक लेवल का होगा लेकिन ये सेकेंड पार्ट होगा। बेसिक लेवल में जो जो आइटम उसमें छूट गए थे, कुछ कुछ कनेक्शन थे और भी हम एक्सटर्नल जोड़ते हैं, वो सब ऑप्शनल होते हैं। बाकी जो मैंने आपको पहले पार्ट में बताया था पार्ट वन पे, वो हमारा उससे भी काम चल जाता है। जो हमारे मार्केट के आरओ होते हैं हमारे इसी तरीके से बने होते हैं। बाकी जो हम जोड़ेंगे वो आपके मार्केट में और जो ब्रांडेड आरओ होते हैं उसमें ये सब होता है। तो ये हमारा जो आरओ है इसका आज हमारा पार्ट टू है। तो मैं इसका स्ट्रक्चर बना देता हूं कैसे कैसे काम करता है, आपको पता ही होगा। जो हमारा ये हमारा वाटर इन है, ये हमारा वाटर आउट है, इसको हम बोलते हैं प्री फिल्टर, यानी पहला फिल्टर। प्री फिल्टर यानी ये पहला फिल्टर होता है। इसमें आपका एक फिल्टर लगे रहता है, जब भी हमारा पानी इन होता है तो इसका जो कनेक्शन होता है वो हमारा इधर होता है। ये हमारा जो पानी इन होता है वो हमारा बाहर साइड आता है, ये हमारा पूरा फिल्टर है। मैं यहां पर लिख देता हूं, ये मैंने लिख दिया प्री फिल्टर, यानी जब हमारा यहां से पानी इन होता है, जैसे वाटर इन हुआ तो हमारे ये बाहर वाले सेक्शन में आता है पानी, तो बाहर वाले पानी सेक्शन में पानी आता है और इस फिल्टर से इधर अंदर साइड पानी आता है। मैंने जो पानी इन है उसको खड़े में दिखा दिया और जो पानी आउट होगा उसको मैं रेड से दिखा देता हूं। ये हो गया, ये हमारा पानी इन हुआ, इनके बाद हमारा जो बाहर वाला सेक्शन है इसमें आता है और जो फिल्टर होता है इसके अंदर, ये हमारा छन्ने के बाद पानी, ये आउटलेट, इसका अंदर वाला जो सेक्शन होता है वो आउटलेट होता है और यहां से हमारा आउट निकलता है। जब भी आप आरओ की सर्विस करने जाएंगे 2 से 3 महीने में आप इसको खोलें और इसे साफ कर दें तो आपको इसकी जो इधर है ये जो ब्लैक एरिया है, इन एरिया जहां पे इन पानी रहता है, यहाँ पर आपको काफी मट्टी की चिकनाहट वाली मट्टी की काई दिखेगी, यहाँ मट्टी दिखेगी बहुत डस्ट टाइप की जमी होगी चिकनाहट, उसको आपको साफ करना पड़ेगा। ये 1 से 2 बार आप साफ कर सकते हैं, उसके बाद इसको चेंज कर सकते हैं। ये तो हमारा हो गया पहला फिल्टर। उसके बाद
उसके बाद ही हमारा कार्बन फिल्टर आ जाता है। कार्बन फिल्टर आ गया, अब मैं उससे कुछ बदल के दिखा रहा हूं, आप कंफ्यूज ना आए उसमें। उसके बाद ही हमारा कार्बन फिल्टर आ गया, यानी यहां से पानी हमारा ये इधर से सीधे कहां चले गया, कार्बन फिल्टर में। उसके बाद आ गया हमारा ये पाइप, उसके बाद हमारा आ गया कहां, ये सेडिमेंट फिल्टर। कार्बन फिल्टर के बाद सीधे चले गया हमारा सेडिमेंट फिल्टर, और इसके बाद जो पानी जाएगा आगे, उसके बाद जो पानी हमारा जाएगा ये एसवी वॉल, ये एसवी वॉल इसलिए लगाते हैं जब हमारा टैंक भर जाए वो कट कर देता है सप्लाई पूरी। जब तक ये ऑन रहेगा तभी ये पानी को इधर से इधर जाने देगा, यानी अपने इनसे आउट पर जाने देगा पानी, और जब जब इस पर पावर नहीं मिलेगी तो ये पानी को यहीं रोक देगा, यानी ये बंद कर देगा। तो यहां से पानी इन होता है, जैसे ही टैंक हमारा भर जाता है या लाइट चली जाती है तो ये पानी यहीं पर तक आके रुकेगा, आगे वो फ्लो करके वेस्ट नहीं जाएगा, इसलिए ये एसवी वॉल्व लगे रहता है। और जब लाइट रहेगी तो ही ये आगे को बढ़ेगा। तो ये हमारा एसवी वॉल्व हो गया। इसके बाद हमारे सीधे लगता है मोटर को, ये हमारा हो गया मोटर पंप हो गया ये। उसके बाद हमारे मोटर जाता है, जो हमारी मोटर होती है ये 24 वोल्ट डीसी पर रन करती है, और जो एसवी वॉल्व को होता है ये भी आपका 24 वोल्ट डीसी पर रन करते हैं। जो हमारा पावर एडप्टर होता है इसका सर्किट चलाने के लिए, ये एसवी वॉल्व भी आपका 24 वोल्ट डीसी पे ही रन करेगा, और जो मोटर होती है वो भी 24 वोल्ट डीसी पे ही रन करेगी। उसके बाद हमारा मोटर आ जाता है, मोटर पर हमारी एक टी लगती है, ये लग गई हमारी टी, मोटर पर टी लग गई। अब इसके बाद हमारी यहां पर लगती है मेम्ब्रेन, तो मैं यहां पर मेम्ब्रेन दिखा देता हूं आपको। ये आपकी हुई मेम्ब्रेन। मैंने इसकी जो पार्ट वन था उसमें आपको बताया था कि मेम्ब्रेन में जो इन होता है वो ऊपर साइड होता है, उसका जो मेम्ब्रेन की हाउसिंग होती है यह आपकी हाउसिंग है, इसके अंदर होती है मेम्ब्रेन। तो मेम्ब्रेन की जो हाउसिंग होती है उसमें तीन
सेक्शन होते हैं, तीन इनलेट होते हैं जिसमें हम पाइप को कनेक्ट कर सकते हैं, तीन पॉइंट होते हैं। तो पहला ऊपर होता है जो ढक्कन के ऊपर होता है वो आपका इनलेट होता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जो ये होता है हमारा, ये होता है इन, और ये होता है हमारा ड्रेन, ड्रेन, और ये होता है हमारा टैंक का पानी। ये हमारा होता है इन, ये हो गया हमारा इन वाटर, ये हमारा हो गया ड्रेन वाटर, और ये हमारा हो गया टैंक को जो जाता है इसका जो पीने वाला पानी होता है वो वाला वाटर। तो होता क्या है, इसके बाद आता है आपका एक यूवी लैम्प, इसको हम कहते हैं यूवी ट्यूब होती है, ये लैंप होता है। इसके अंदर क्या होता है, जो हमारी ग्रीन लाइट होती है जो हमारी कीटाणु को जम्स को किल करती है, मारती है, एक उसके अंदर एक ट्यूब होती है, मैं यहां पे बना देता हूं, ये ऐसे ट्यूब होती है, और जो हमारा ये पानी आता है, ये इधर से इन होता है, इसके अंदर घूमता है, उसके बाद जो भी यूवी का एक अडेप्टर होता है, जो यूवी है इसकी भी एक सप्लाई का अडेप्टर होता है, पानी इसके अंदर घूमता है और ये यूवी में हमारी यूवी ऑन रहती है, इसके बाद जो भी जम्स कीटाणु रह जाते हैं उनको क्या करती है, यूवी लाइट क्या करती है, उन कीटाणु को मार देती है। मारने के बाद ये पानी यहां से दूसरे साइड से निकलता है, ये यहां से निकलता है, यहां को लगती है टी, ये हमारा पानी निकल गया पीने वाला। अब इस पर आप एक फिल्टर और लगा सकते हैं, यूएफ, यूएफ भी सेम ऐसी फिल्टर होता है, उसको भी एक साइड इन करवा के दूसरे साइड आउट करवा सकते हैं। तो मैं अभी यूएफ नहीं लगा रहा हूं, मैं सीधे ही इसको टैंक में डालता हूं, क्योंकि यूएफ भी क्या करता है, आपका जो मेम्ब्रेन काम करती है, मेम्ब्रेन आपका हाई प्रेशर जब आता है तब काम करती है, यूएफ आपका हाई प्रेशर की जरूरत नहीं होती है। जैसे इस जो पानी ये छानता है, इसका पानी काफी बारीक छेदों से निकल के आता है, और इसका पानी जो यूएफ फिल्टर आता है उसका पानी क्या होता है, थोड़ा उससे मोटे छेद से छन के आता है, बस यही फिल्टर है। आपने देखे होंगे जो मार्केट में खाली एक बिना इलेक्ट्रिसिटी वाले फिल्टर आते हैं, आरओ वाले बिना इलेक्ट्रिसिटी, उसमें खाली एक यूएफ लगा होता है, यूएफ एक रॉड लगी होती है, ऐसा ही फिल्टर लगा होता है, ऊपर से पानी डालो, यूएफ आपका छानता है, उसकी एक लिमिट होती है कि मैं इतने हजार पानी छान सकता है लीटर, उसके बाद वो आपका ब्लॉक हो जाता है, चौक हो जाता है। तो जो हमने यहाँ टी लगाई है, ये यहां से आएगा, ये आपकी टी आ गई, और ये यहां से ये पानी आएगा। अब हम यहां पे क्या लगाएंगे, टीडीएस कंट्रोलर लगाएंगे। अब हमारा टीडीएस कंट्रोलर कैसा होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये इस तरीके से लिखा हुआ है, यहां पर लिख देता हूं मैं टी डी एस,
TDS कंट्रोलर, इस पे क्या होगा, इधर पे एक आपको घुमाने के लिए एडजस्ट करने के लिए पिन होगी, नोप होगी। ये नोप क्या करती है, जो ये पानी आता है, ये पानी यहां से घूम के सीधे, इधर से घूम के सीधे इसमें आता है, इसमें ये हमारा जो मेम्ब्रेन से छन के आया पानी, ये पानी छन करके सीधे टैंक में आता है। जो हमारा टीडीएस कंट्रोलर है, यहां से जो हमारा ये रिजेक्ट पानी होता है, यहां से हमारी डस्ट, कीटाणु, धूल, मट्टी सब छन करके आता है, मोटर से प्रेशर करता है, तो यहां से क्या होता है, पानी आकर के यहां पे भी रुके रहता है। हमारा जैसे मेम्ब्रेन होती है, जो न्यू मेम्ब्रेन होती है, तो हमारा टीडीएस तब देती है ये 12 से 18 देती है। जब हमारी ये न्यू मेम्ब्रेन होगी, एकदम नई लगे रहेगी, तो 12 से 18 हमारे क्या देगी, टीडीएस देगी, जो कि हमारे लिए बहुत ही हानिकारक होता है ये वाटर। वैसे तो ये पूरा साफ है, लेकिन जो भी इस पानी में हमारे लिए फायदेमंद इसमें लवण या पौष्टिक है, वो सब क्या होते हैं, छन चुके होते हैं, रुक चुके होते हैं। मेम्ब्रेन इतनी बारीक पानी को ही अंदर आने देती है कि उसमें से कुछ नहीं रहता, उसमें मिनरल सब छान देता है। तो हमें क्या करना होता है, टीडीएस हमें चाहिए होता है 50 के आसपास। ये टीडीएस हमें चाहिए होता है 50 के आसपास। तो हम क्या करते हैं, यहां से जो हमारा ये इस पानी का टीडीएस रहेगा आपका 200, 300, 400, 500, तो यहां से क्या करते हैं, जो ये पानी आ रहा है इसमें क्या करते हैं, हम इसको मिक्स करते हैं, इसको हम एडजस्ट करते हैं। जैसे हम एंटी क्लॉक वाइज उसको घुमाएंगे तो पानी ये यहां से यहां आना शुरू हो जाएगा, और जब क्लॉक वाइज घुमाएंगे तो ये पानी यहां पर रुक जाएगा। अगर पूरा क्लॉक वाइज टाइट कर देंगे तो ये पानी इधर ब्लॉक हो जाएगा, और जैसे हम हल्का सा एंटी क्लॉक वाइज से घुमाएंगे तो यहां से ये पानी हल्का सा बूंद बूंद करके इसके साथ मिक्स होते हुए आएगा, और जब ये कम टीडीएस पर मिक्स होगा तो हम उसको इतना मिक्स करेंगे कि हमारा 50 के आसपास उसका टीडीएस आ जाए। इसमें क्या होता है, जो भी हमारे पानी में मिला हुआ होता है, हमारे लिए पानी में जो भी पोषक तत्व हैं, वो सब क्या होते हैं, इसमें मिलने लग जाते हैं। उसके बाद हमारा इस टैंक का टीडीएस क्या आ जाता है, ऊपर बढ़ जाता है। ये टीडीएस हमारे क्या होता है, उसके बाद इसका क्या हो जाता है, ऊपर बढ़ जाता है। तो आपके घर में अगर मैम आरओ है और उस पर टीडीएस एडजस्टर नहीं लगा है, ऐसा क्या होता है, जो पहले के आरओ थे 3-4 साल पहले या 4-5 साल पहले के, उसमें बहुत कम आरओ में टीडीएस एडजस्टर आता था, ये जिससे हम टीडीएस सेट कर सकते हैं, ये बहुत कम आरओ में आता था। तो उस टाइम क्या होता था, जैसे हमारा नया आरओ लिया तो हमें 12 से 18 टीडीएस का पानी पीते थे, लेकिन जब मेम्ब्रेन पुरानी हो जाती है, ज्यादा टाइम हो जाता है, तो उसके बाद हमारा टीडीएस बढ़ जाता है 30, 40, 50, 60, 100, 120, 150, इतना आपका बढ़ जाता है। आप 70 तक 80 तक भी पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा कम भी पी सकते हैं, वो अपने टेस्ट के हिसाब से है। बस 50 के आसपास मान के चलो कि इतना आप ना ऊपर ज्यादा है ना नीचे कम है पी सकते हैं। तो अब जितने आरओ आ रहे हैं, चाहे आप लोकल ले, मार्केट का ले, ब्रांडेड ले, ऑनलाइन ले, सब में आपको क्या मिलेगा, टीडीएस एडजस्टर इसमें आपको देखने को मिलेगा सब में। तो जब आपके यहाँ मिस्त्री कोई आए, उसके बाद आरओ लगाए, तो उसको आप बता सकते हैं कि आपको किस टेस्ट का पानी चाहिए। जितना टीडीएस कम रहेगा उतना पानी आपको कड़वा लगेगा, और जितना टीडीएस ऊपर को जाते रहेगा तो उसका कड़वापन हट जाएगा, कड़वा होगा, कम होगा। तो ये आपके यहाँ से कनेक्शन होते हैं, यहाँ पर आपका टैंक का इनलेट होगा, टैंक वाटर इन। यहाँ पर जो आपके टेप लगता है, टोंटी होती है, टोंटी से क्या होगा, यहाँ पर वाटर इन होगा, इन होते ही ये आपका इन फिल्टर में बाहर साइड रहता है, उसके बाद अंदर से छन करके कार्बन फिल्टर में आता है। कार्बन फिल्टर में आने के बाद यहाँ से सेंटीमेट फिल्टर में जाता है, एसवी में जाता है, एसवी ऑन होती है,
एसबी के दो लैग होते हैं, ये 24 वोल्ट से ऑन होती है, ये एसबी के दो लैग हो गए हैं। और मोटर में भी आपकी वायर आती है, एक पॉजिटिव होती है एक निगेटिव होती है। यहाँ गया, यहाँ से टी लग के यहाँ पर जो पानी चाहिए वो आता है। उसके बाद ये अब आप देख सकते हैं एसबी को हम क्यों लगाते हैं। एसबी को लगाने का ये फायदा है, अगर हमारी अभी लाइट नहीं है, यहाँ से हमने टीडीएस कुछ बहुत सेट कर रखा है, टीडीएस जब हम सेट कर रखा है तो यहाँ का पानी यहाँ आएगा कुछ ना कुछ, तो लाइट चलेगी। अगर एसबी नहीं होगा तो ये टैंक का पानी यहाँ से देख सकते हैं, ये पानी सीधे गया गया गया, यहाँ से अगर ये पानी नहीं रोकेगा तो ये यहाँ से होते हुए इधर आ जाएगा, और उसके बाद यहाँ से होते हुए भी इसमें आ जाएगा जो आपके ड्रेन लाइन है। ड्रेन लाइन आई है, उसके बाद इसमें लगेगा FR 500। अब आपने देखा होगा कि ये FR क्या होता है, FR आपका 300 आता है, FR 400 आता है, FR 450 आता है, FR 500 आता है, 600 हो गया। ये क्या होते हैं नंबर, जो भी ये फ्लो रेजिस्टेंस होता है इसमें क्या होता है नंबर डले होते हैं। इन नंबर का मतलब ये है, अगर जितना मोटा होगा, जैसे मैं यहां पर बना देता हूं एक FR, ये अब क्या होता है यहां पे कोई एक बहुत बारीक सा छेद होता है, ये यहां पे क्या होता है बहुत बारीक सा छेद होता है, जब भी पानी यहां से जाता है ये छेद जितना कम होगा, आप देख सकते हैं जितना कम होगा FR का नंबर उतना बड़ा होगा, और अगर छेद ज्यादा बड़ा होगा FR का नंबर क्या होगा डाउन होगा, और इसमें क्या होगा FR का नंबर ऊपर होगा, ये आप देख सकते हैं। अगर FR में छेद जितना कम होगा तो उसका क्या होगा जो नंबर होगा FR का ये आपका ज्यादा होगा, और छेद कम होगा तो इस मेम्ब्रेन पर दबाव ज्यादा पड़ेगा और यह पानी का फ्लो ज्यादा पानी छाने की है। अगर इसमें छेद मोटा है मतलब 300 है या 400 है तो क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा पानी रिजेक्टर वाले में डाल देगा, रिजेक्टर वाले में डालेगा तो इस छानने वाले पर दबाव कम पड़ेगा ज्यादा वाले के मुकाबले, तो ये क्या करेगा ज्यादा पानी इधर को नहीं छान पाएगा, और इसको अगर ज्यादा लगाएंगे तो यहाँ दबाव ज्यादा पड़ेगा, उधर का पानी बहुत कम निकलेगा, यहाँ से हमारे क्या होगा पानी बहुत अच्छा छानेगी हमारी जो मेम्ब्रेन होती है। तो इसको 500 आप लगा सकते हैं, बहुत अच्छा है, ना ज्यादा है ना कम है, 500 तक आप आराम से यूज कर सकते हैं। और जो एडाप्टर होता है ये एडाप्टर होता है AC 220 वोल्ट इन और DC 24 वोल्ट आउट, 24 वोल्ट आउट 2 एम्पियर। ये AC होता है और ये DC होता है, ये आप इसके कनेक्शन इसमें कर सकते हैं, प्लस माइनस आप देख सकते हैं, क्योंकि कलर के हिसाब से तार होती है, रेड ब्लैक रेड ब्लैक रेड ब्लैक, इसमें आप उल्टा सीधा भी जोड़ देंगे तो उतना फर्क नहीं पड़ेगा, बाकी अगर इसमें रेड ब्लैक है तो रेड ब्लैक भी आप जोड़ सकते हैं और ये बढ़िया से काम हो सकता है। तो ये हो गया हमारा एडाप्टर। एक एडाप्टर आता है इसके लिए यूवी के लिए, यूवी के लिए भी ऐसे एडाप्टर आता है, आप उसके कनेक्शन कर सकते हैं। AC एक इन होता है, आउट में दो होते हैं, एक जैक इधर लगता है एक जैक इधर लगता है। तो ये मेरा हो गया RO में पार्ट टू, मेरा कोर्स पार्ट टू की क्लास ही पूरी हो गई है। अब मैं RO की पार्ट थ्री की क्लास बताऊंगा जिसमें मेरा कंप्लीट फाइनली पूरा होगा A to Z। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। आज के लिए इतना ही।